तमाम मैं देखता हूँ कि जो स्पेशली रील्स और जो इंस्टाग्राम रील्स और इस तरह के वीडियोज का चस्का लगा हुआ है लोगों को, कई सारे वीडियोज मैंने देखा है जिसमें मॉल्स में तथा अन्य जगहों के रील्स बनाए जा रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म। सबसे पहले तो ये इतना गलत इंडिकेशन देता है एंड दूसरा आपके स्वयं के साथ साथ आपके स्कूल का रेपुटेशन भी इसमें खराब होता है, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म्स पे, आपके टाई के कलर पे, आपके जो बैज है जिसमें आपका स्कूल का सिंबल है, उससे चीजें क्लियर हो जाती हैं, बैकग्राउंड से चीजें क्लियर हो जाती है कि कहां का वीडियो है। एंड लॉट्स ऑफ रील्स विच आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जो लोग भेजते हमें उसके लिंक भेजते कि देखिए ये चीज हो रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, स्पेशली जो हमारा एज ब्रैकेट है जो मैंने बताया 7th, 8th से लेकर 12th तक का, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है, जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, वो अपने गोल पे फोकस ना होके डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हमें इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है और किसी भी चीज को हमें पॉजिटिवली उसका इस्तेमाल करना है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे सोशल मीडिया, हमें सकारात्मक रहना है और नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना है। तो वंस अगेन आई विल से दैट वी नीड टू keep ourselves safe and at the same time हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी किसी गलती के चलते दूसरे की सेफ्टी या सिक्योरिटी भी न कॉम्प्रोमाइज हो। आई वुड थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड आई एक्सटेंड माई स्पेशल ग्रैटिट्यूड टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि आप लोगों ने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया।